सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप पढ़ रहे हैं तो आप डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप को अभी तक जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं, और अब बारी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लास्ट पोर्शन की, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में आपके पास मेनली साइनाइड, डाइजोनियम सॉल्ट और अमीन्स के बारे में सीखना है और थोड़ा बहुत नाइट्रो कंपाउंड के बारे में। साइनाइड्स के बारे में और डाइजोनियम सॉल्ट के बारे में अननोइंगली आपको हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर आपको सारी चीजें बता चुके हैं। आज हम इस लेक्चर के अंदर बात करेंगे अमीन्स की। अमीन्स सिंपल डेफिनेशन है इसकी, अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। अमोनिया में से हाइड्रोजन हटा के अल्काइल ग्रुप अटैच करा दें तो उसे हम अमीन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अमोनिया में एक अल्काइल ग्रुप ऐड कराया प्राइमरी अमीन, दो कराए सेकेंडरी अमीन, तीन कराए टर्शियरी अमीन कहा जाएगा, और अगर सॉल्ट बना देंगे तो क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट उसे कहा जाएगा। हर बार की तरह मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन सबसे पहले पढ़ा जाएगा, और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहली रिएक्शन होगी अल्काइल हैलाइड से हम अमोनिया की रिएक्शन करवाएंगे। रिएक्शन ऐसे, HCl बाहर जाएगा और इस तरीके से हमारे पास अमीन बनेगा। हम ध्यान रखें जितने कार्बन रिएक्टेंट में थे उतने ही कार्बन प्रोडक्ट में होंगे, सो वी कैन से कि सेम कार्बन का अमीन बनेगा, और इस रिएक्शन को हॉफमैन्स अमोनोलिसिस रिएक्शन के नाम से पहचानते हैं। हॉफमैन्स अमोनोलिसिस नाम भी याद रखना है। अब ये रिएक्शन अगर आप चाहें तो फर्दर भी होती रहेगी, और अल्काइल हैलाइड होगा वो रिएक्ट करेगा, सेकेंडरी देगा वो रिएक्ट करेगा, टर्शियरी देगा, इस तरह से मिक्सचर ऑफ अमीन इस रिएक्शन में बनेगा। अगली रिएक्शन भी अल्काइल हैलाइड से ही है। अल्काइल हैलाइड पे पोटेशियम साइनाइड, KCl बाहर गया, और इस तरीके से अल्काइल साइनाइड बनेगा। अल्काइल साइनाइड पे हम रिएक्शन करवाएंगे सोडियम इथेनॉल की। अगर याद रहा हो आपको, इस रिएक्शन को कहते हैं मेंडियस रिडक्शन। मेंडियस रिडक्शन, और मेंडियस रिडक्शन में पाई बॉन्ड स्प्लिट होंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, और इस तरह से अमीन फॉर्म होगा। यहां भी अमीन बना, यहां भी अमीन बना, फर्क है यहां सिमिलर नंबर ऑफ कार्बन, लेकिन यहां एक कार्बन इंक्रीज हो गया, एक कार्बन बढ़ गया। सो व्हेनेवर यू रिक्वायर द अमीन हैविंग वन कार्बन एटम मोर, तो वहां पर हमें मेंडियस रिडक्शन को इस तरह से करना होगा। अगली रिएक्शन, अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है अमाइड से। अगर आप अमाइड पे रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या और भी किसी रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में, सपोज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड CONH2 ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा CH2NH2 में, अगेन अमीन बनेगा, सिमिलर नंबर ऑफ कार्बन। अमीन्स में इस बात को ध्यान रखना है कि सिमिलर नंबर ऑफ कार्बन का बना है या हायर नंबर ऑफ कार्बन का या लोअर नंबर ऑफ कार्बन का। और यहां पर ऑर्गेनिक की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारे पास आती है, जिसे हॉफमैन ब्रोमामाइड कहा जाता है। ये भी आप पहले सीख चुके हैं, NaOHBr2 या KOHBr2, और इसमें हमने बताया था कि ये ग्रुप हट जाता है और इसकी बजाय अमीन बनता है। सो वी कैन से यहां दो कार्बन है तो यहां एक कार्बन है, एक कार्बन रिड्यूस हुआ। तो याद रखो, कार्बन का नंबर सेम करना है तो ये रिएक्शन, कार्बन इंक्रीज करना है तो ये रिएक्शन, कार्बन डिक्रीज करना है तो इस रिएक्शन की आपको हेल्प लेनी है, इस तरह से प्रोडक्ट बनना याद रखेंगे। सिमिलरली अगर हम बात करें एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन की, गैब्रिल थैलीइमाइड रिएक्शन इसे कहा जाएगा। गैब्रिल थैलीइमाइड, ये है थैलीइमाइड, इसको कहा जाता है। इस थैलीइमाइड पे KOH का एक्शन, HOH बाहर गया, पोटेशियम इधर आएगा, और जब ये पोटेशियम इधर आएगा सो हमारे पास जो स्पीसीज बनेगी वो कुछ ये होगी। HOH बाहर, पोटेशियम आया, सॉल्ट बना, और इस सॉल्ट के ऊपर अल्काइल आयोडाइड की रिएक्शन। आयोडाइड हम क्यों लेंगे, क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, आसानी से टूटता है। KI बाहर गया और ये अल्काइल ग्रुप
कनेक्ट हो गया और इस तरीके से वी कैन से हमारे पास स्पीसीज कुछ ऐसे यहां पर फॉर्म हुए। एन अल्काइल थैलीइमाइड कहा जाएगा और इसके ऊपर वाटर का एक्शन, दो वाटर के मॉलिक्यूल लिए जाएंगे और यहां से इतना पोर्शन बाहर RNH2 यानी अमीन बाहर चला जाएगा और ये OH थैलिक एसिड इस तरह से बन पाएगा। तो ऐसे हम इस रिएक्शन में गैब्रियल थैलीमाइड प्राइमरी अमीन बनाएंगे। तो याद रखो हमें प्योर प्राइमरी अमीन बनाना है, गैब्रियल थैलीइमाइड रिएक्शन को फॉलो करना है, अगर एक कार्बन कम करना है हॉफमैन ब्रोमामाइड, तो ये दोनों की दोनों हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन एग्जामिनेशन के लिए रहेंगी, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी है, चाहे बोर्ड एग्जाम की, कोई भी स्टेट बोर्ड हो, CBSE हो वगैरह, यहां इसको याद रखें। अल्काइल हैलाइड में कार्बन बढ़ाना है तो आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो जानने जरूरी। अब आपने ट्राई करना है होमवर्क में, यहां मैं एक क्वेश्चन देता हूं और क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास CH3Cl है तो आप CH3Cl से CH3CONH2 कैसे बनाएंगे। इसी से आपको CH3CH2NH2 बनाना है और इसी कंपाउंड से CH3NH2 बनाने की कोशिश करनी है। कुछ इन रिएक्शन का सहारा लेंगे, कुछ अपनी प्रीवियस नॉलेज का सहारा लेंगे। एक तो ये क्वेश्चन आपने यहां से करना है। दूसरा क्वेश्चन, हॉफमैन अमोनोलिसिस को प्रेफर रिएक्शन नहीं माना जाता। अगर हम अमीन बनाना चाहते हैं तो हॉफमैन अमोनोलिसिस इज नॉट अ प्रेफरेबल रिएक्शन। व्हाई दैट इज सो एंड द लास्ट वन, गिव अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्योर प्राइमरी अमीन। ये हमें यहां से मेथड मालूम रखना है, इतनी चीजें यहां पर आनी चाहिए। तो ये थे कुछ इनको बनाने के मेथड अमीन्स को। अब बारी है इनकी प्रॉपर्टीज की। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, अमीन्स में एलिफेटिक की प्रॉपर्टी हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे और एरोमेटिक की नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। एलिफेटिक की प्रॉपर्टीज में कुछ इस तरह से यहां देखा जाएगा। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिफेटिक, पहली प्रॉपर्टी का नाम है एल्काइलेशन। एल्काइलेशन का मतलब हुआ अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन। अल्काइल हैलाइड ये है, HCl बाहर गया और इस तरह से हमने यहां पर सेकेंडरी अमीन फॉर्म किया। फर्दर हम इसमें आगे बढ़ना चाहें तो टर्शियरी अमीन भी बनेगा, ऐसी रिएक्शन होती जाएगी। दूसरी रिएक्शन है असाइलेशन। असाइलेशन का मतलब एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन, एसिड क्लोराइड RCOCl, HCl बाहर गया और इस तरीके से RNHCOR, ये हमारे पास अमाइड डेरिवेटिव यहां पे फॉर्म होगा। इस तरह से अल्काइलेशन हुआ, असाइलेशन हुआ। अगली रिएक्शन जो आपको लर्न करनी चाहिए, कार्बाइल अमीन रिएक्शन। कार्बाइल अमीन रिएक्शन अगेन इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है ये प्राइमरी अमीन के लिए। प्राइमरी अमीन का डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट कैसे याद करोगे, ये है प्राइमरी अमीन इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म KOH, ये रिएक्शन होगी। और रिएक्शन ऐसे होगी कि यहां से NH2 ग्रुप हटेगा और इसकी जगह पे आइसोसाइनाइड फॉर्म होगा। NH2 हटेगा, आइसोसाइनाइड फॉर्म होगा। आइसोसाइनाइड को कार्बाइल अमीन भी कहा जाता है। सो अल्काइल कार्बाइल अमीन, इसीलिए इसको कार्बाइल अमीन रिएक्शन का नाम दिया जाएगा। कार्बाइल अमीन एक ऑफेंसिव स्मेल, बैड स्मेल कंपाउंड है और बैड स्मेल कंपाउंड होने की वजह से ये प्राइमरी अमीन्स का डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही आप रिएक्शन करके देखना कि अगर आपके पास एनिलीन है, एनिलीन के ऊपर ये रिएक्शन होगी तो कैसे होगी, कैसे आप प्रोडक्ट बनाएंगे, इसको यहां से बना के देखना। इस रिएक्शन को आपने यहां पर करके देखना है। तो अल्काइलेशन हुआ, असाइलेशन हुआ, कार्बाइल अमीन रिएक्शन डन। ऐसे ही NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl। अब इसमें याद रखो, या तो ऐसे लिखा होगा
या HNO2 और HCl करके लिखा होगा। अगर हमारे पास प्राइमरी अमीन है और प्राइमरी अमीन पे ये रिएजेंट दिया जाता है तो NH2 की जगह कन्वर्ट हो जाएगा एल्कोहल ROH, और अगर हमारे पास एनिलीन है एनिलीन पे ये रिएक्शन होगी और यहां कन्वर्ट हो जाएगा N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव डाइसोनियम सॉल्ट। तो इस तरह से अल्काइल हैलाइड्स के अंदर अल्काइल अमीन्स के अंदर ये प्रॉपर्टीज प्रिपरेशन यहां देखा गया। इन रिएक्शंस की अच्छे से प्रैक्टिस करें, एग्जामिनेशन में बहुत सारी रिएक्शन आपकी बुक में दी जाती हैं, सभी नहीं करनी है आपको, जो सिलेक्टेड है वो रिएक्शन ही आपको यहां करनी है। इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एरोमेटिक अमीन्स के बारे में कुछ रिएक्शन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहां डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। आपको पहले भी बताया जिन बच्चों ने सब्सक्राइब किया हुआ है चैनल और जो व्हाट्सएप पर रजिस्टर्ड हैं, वर्कशीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनके पास सेंड किए जाएंगे आज ही। आपको उन्हें सॉल्व करना है और अपने आंसर्स को अपने शॉर्ट नोट्स को यहां प्रिपेयर करना है। ऑल द बेस्ट।